देखिए शक्तिमान बाद में आया, भीष्म पितामह पहले आया। ये सेम सवाल मुझसे पूछा जाता था कि आप जब कोई बड़ा एक्टर काम करता है तो वो माइथोलॉजिकल बड़े बड़े काम, कृष्ण का रोल या बड़े बड़े तो उसकी राम की जिंदगी का रोल, तो उनकी लाइफ में वो फर्क पड़ता है उनकी लाइफ चेंज। मैं उस जमाने में भी उनको जवाब दिया करता था कि भीष्म पितामह का रोल मैंने जो किया था, मैं मेरी लाइफ उसके बाद कुछ नहीं बदली। एंटी रामाराव के बारे में सुना जाता था कि जब वो इस तरह के रोल करते थे तो वो रात को रोज फर्श पे सोते थे, वो शराब पीना सब लोग बंद कर देते थे उस जमाने। मैं कई बार उनको कहता था, मैंने कहा शायद देखिए मैं भीष्म पितामह को इतना जानता था, शायद कई लोग नहीं जानते। मैंने महाभारत बचपन में इतनी मोटी मोटी दो बुक मैंने लोगों को पढ़ के सुनाई अपने बिल्डिंग वालों, मुझे भीष्म पितामह का नॉलेज था, कृष्ण का नॉलेज था, महाभारत का नॉलेज था। मैं ये बिलीव करता था कि पितामह कोई आज का कोई लड़का ये बात नहीं मानेगा कि बाप के लिए चलो मैं शादी नहीं करता, चलो मान लेता, पर बाप के लिए मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा शायद कोई आज का बच्चा नहीं। अरे छोड़ो ठीक है, शादी नहीं करता हूं अगर आपको प्रॉब्लम है इस तरह। लेकिन मैंने कभी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया। मैंने कहा ऐसा बेटा हो सकता है जो बाप के लिए अपनी जिंदगी को मृत दशा में ढकेल सकता है? तो मैं उस कैरेक्टर पर मेरे को डे वन से बिलीव था, शायद वो बिलीफ मेरे चेहरे पर आया। उसको मैं उल्टा बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस नहीं था मेरे चेहरे पर, जो अक्सर कई एक्टरों में होता है। जैसे नसीरुद्दीन शाह के साथ ये एक प्रॉब्लम था, जब मैं उन्हें इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे तो वो मुझे कई बार मैंने सुना उसके मुंह से, ये क्या है फालतू हीरो हीरोइन भाग रहे हैं, पेड़ के पीछे जाते हैं, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, गाना गाते हैं, फिर दो पंछी दिखाते हैं और दो फूल दिखाते हैं। उस समय तो मैंने उसको सुना और मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा जिस दिन इंडस्ट्री में जाएगा इसको प्रॉब्लम आएगा। तो आई नो नसीर मस्ट हैव गॉट द प्रॉब्लम व्हेन ही बिकेम हीरो इन हीरो हीरो रॉल, आई सपोज दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म जिसमें उसको हीरो बनना पड़ा था, उसको वही सब करना पड़ा था जिसके बारे में वो कटाक्ष कर रहा था। उस वक्त ही मस्ट हैव द हेल ऑफ द टाइम टू रिमूव दैट रेजिस्टेंस फ्रॉम हिज माइंड। ही वाज अ ट्रेमेंडस, ही इज अ ट्रेमेंडस एक्टर एंड आई नो ही कुड हैव डन इट एंड ही डिड इट। कभी भी आपको उसके फेस पे, क्योंकि उसने फिर लेकिन उसको एफर्ट करना। वैसे ही अगर आप मुझसे पूछें तो पितामह भीष्म के बारे में, मैं कोई ना, मैं पहले शराब पीता था कभी, ना मेरी कोई लाइफस्टाइल ऐसी थी कि जो मुझे बदलनी पड़ी। लोग कहते हैं कि आप माइनर वाइसेस छोड़ देते हैं जब आप मैथोलॉजिकल करते हैं, मेरे पास छोड़ने का कुछ नहीं था, शायद मेरी लाइफस्टाइल ऐसी थी और मुझे कंटिन्यू करना पड़ा और मैंने परफॉर्मेंस किया, लोगों को बिलीफ मेरे चेहरे पर नजर आई। सेम थिंग विद शक्तिमान। अगर आप कहो शक्तिमान ने बहुतों की लाइफस्टाइल चेंज किया, मुझे कई लोगों के आज भी कमेंट्स मिलते हैं, सर आप यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ अवर चाइल्डहुड, यू मेड माय चाइल्डहुड। मुझे एक याद है, एक मैं एयरपोर्ट में जा रहा था कि मुझे एक छोटी सी लड़की आकर मेरे को एक छोटा सा पेपर देके चली गई। हम लोग प्लेन में एयरपोर्ट में अभी तक आ रहा था तो आई, बोला सर प्लीज तो ये कागज मैंने खोल के पढ़ा, उसमें उसमें लिखा था थैंक्स फॉर मेकिंग माय चाइल्डहुड समथिंग लाइक दैट, उसने लिखा था थैंक्स फॉर मेकिंग माय चाइल्डहुड ग्रेट। तो ये चीज मैं जानता हूं कि शक्तिमान ने बच्चों को सिखाया है, शक्तिमान ने मां बाप को भी खुश किया, क्योंकि मां बाप बच्चों को नहीं सिखाते थे, शक्तिमान सिखा पाता था। शक्तिमान को देख देख के बच्चे बड़े हुए हैं, शक्तिमान से उन्होंने छोटी छोटी मगर मोटी बातों से सीखा है, बॉडी इज टेम्पल से सीखा है, एटिकेट क्या होना चाहिए, किस तरह से बड़ों से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से ये नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए करके कई चीजें हैं जो आजकल जब से मैंने अपना चैनल खोला है मुझे इतने कमेंट्स मिले हैं जिसमें सब लोगों ने ये कहा है सर हमने आदर्श आपसे सीखे हैं, हमने बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन हमने पूरी की पूरी चीजें आपसे आज मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे हूँ थैंक्स फॉर ओनली फॉर यू बिकॉज आपकी वजह से शक्तिमान देख के मैंने अपनी लाइफस्टाइल पूरी की पूरी एक ऐसे दर्रे पर रखी कि मुझे सक्सेस मिली। सो आई नो पीपल हैव लर्न फ्रॉम शक्तिमान।